फ्रेंड्स मम्मी चौधरी चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलिंग रह गया था और मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे और मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई किया था कि आप वेट करिए, कुछ ना कुछ इसका रिसोल्यूशन निकाल के मैं बताऊंगा। तो फाइनली आप देख सकते हो अगर आपने वेबसाइट देखा होगा तो ओके, और आपको नहीं मालूम तो आपके फ्रेंड्स को बताओ, आपको बताओ, आपको पता चल रहा है तो कि डेट एक्सटेंड हो चुके हैं। इफ़ यू रीड हियर नाउ स्टूडेंट कैन गेट पार्ट वन वेरीफाइड एंड फिल पार्ट टू फॉर राउंड वन टिल 30 जुलाई। तो 30 जुलाई तक डेट एक्सटेंड हो गए है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अदरवाइज क्या होता था, अगर जिसका भी फॉर्म फिलिंग छूट गया था या उन्होंने लॉक किया नहीं था फॉर्म या उन्होंने कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म 2 नहीं भरा था जिसमें कॉलेज लिस्ट डालते हैं, वो सबको डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एंट्री मिलने वाली थी। बट अभी जिस तरह से ये एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ अनाउंसमेंट भी है टाइम इज एक्सटेंडेड फॉर पार्ट टू फिलिंग फॉर रेगुलर राउंड वन, तो अब आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप ऑप्शन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ में उसको लॉक भी कर सकते हैं। बहुत सारे CBSE और ICSE स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ था, तो दे आर आस्किंग कि सर हमारा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ तो ऑप्शन फॉर्म कैसे भरे और डेट इतना जल्दी कैसे चला गया। सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि अब डेट एक्सटेंड हो चुका है 30 जुलाई तक। तो आप बिल्कुल रेस्ट मत लो, आप बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, और कल के कल आप 30 जुलाई पे एक्सटेंड हुआ है बट आप ट्राई करो कि सारे के सारे काम कल हो जाए। ICSE CBSE वालों को आपका डेटा वेरीफाई होना चाहिए, उसके लिए आपको गाइडेंस सेंटर में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेकर, ओके, और वहां पर वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि आप ऑप्शन फॉर्म भर पाओ और फिर उसे लॉक कर पाओ। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑटो वेरीफाई है, आप जैसे फॉर्म भरते हो वो ऑटो वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद ऑप्शन फॉर्म में 10 कॉलेज का नाम डालते हो, ओके। तो यही अपडेट आपको मुझे बताना था और आपके मैक्सिमम फ्रेंड तक ये शेयर करो बिकॉज उनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं डेट जा चुकी है, अब मुझे डायरेक्ट राउंड 2 में एंट्री मिलेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट निराश थे बट ये इट इज़ अ वेरी गुड होप नाउ, ओके। तो आप उसका मैं सर्कुलर, इसका मैंने देखिए ये मैंने PDF डाउनलोड किया है, ये सर्कुलर आप देख सकते हो, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट, ये पूरा मराठी में दिया गया है और इसकी कोई इंग्लिश वर्जन पब्लिश नहीं हुई है बट एज सुन एज पॉसिबल उन्होंने पब्लिश किया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मराठी में ये लिखा गया है कि अब आप पार्ट वन फॉर्म फिल कर सकते हैं शाम को 5 बजे के पहले तक, मतलब 30 जुलाई को शाम के 5 बजे के पहले आपको सब करना है, और पार्ट टू आपको शाम 6 बजे के पहले 30 जुलाई को लॉक करना है, वेरीफाई करके ऑप्शन फॉर्म भर के लॉक करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने लॉक ही नहीं किया था सर बोल तो, और वो लॉक नहीं हो रहा था तो उनके भी सेम डाउट थे कि सर लॉक नहीं हुआ, अब क्या मेरा नाम कॉलेज लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। मैं भी बहुत कन्फ्यूज था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन स्टेट बोर्ड एज सुन एज पॉसिबल देगी और ये लास्ट में आया है, ओके। आप यहां पर देख सकते हो स्टैंप एंड साइन महेश पालकर शिक्षण संचालक, ओके। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, आपको याद रखना है कि 30 जुलाई को शाम 5 बजे के पहले आपके सारे फॉर्म फिल करके वेरीफाई करके पार्ट टू ऑप्शन फॉर्म जिसमें 10 कॉलेज का नाम डालते हैं वो फिल करके लॉक करना इंपॉर्टेंट है। आपने लॉक नहीं किया तो आपका राउंड वन में नाम नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। और एक और रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट निराश हो चुके, वो होप खो चुके, वो डायरेक्ट सोच रहे हैं मैं डायरेक्ट राउंड टू में एंट्री करूंगा, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये शेयर करो और उनको बताओ कि नहीं राउंड वन का डेट एक्सटेंड हुआ है। और किसी ने अगर फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो वो फॉर्म फिल कर सकता है अब, ओके, फॉर्म भी फिल कर सकता है, ओके, उसको वेरीफाई करा के पार्ट टू का पार्ट भी भर सकता है। ऑल द बेस्ट गाइस, ओके। और कट ऑफ के लिए आप वीडियो देख सकते हो मेरा, ओके, प्लेलिस्ट में जाके FIGC प्लेलिस्ट में लास्ट में आपको दिखेगा स्क्रीन पर, वो प्लेलिस्ट में जाके कैसे कट ऑफ चेक करना है, फीस वगैरह का वीडियो मैंने ऑलरेडी पूरे मुंबई रीजन का कवरअप किया है, बाकी रीजन के लिए आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है वो भी मैंने बताया था, सिंपल था। यहाँ पर जाके स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन में जाना है, स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन में जाके आपका जो भी आप लेने वाले हो वो, फिर आपकी मीडियम इंग्लिश ही रहेगी, ऑल स्टेटस एडेड अनएडेड कॉलेज कौन सा कॉलेज का डिटेल आपको जानना है, कॉलेज टाइप मोस्टली को एड रहेगा, और आपका जोन कौन सा है, कौन से जोन में आप चेक करने चाहते हो, पुणे वाले हैं आपके भी, आप जोन के इसी तरह से आपको चेक करना है, और चेक करके जैसे आप सर्च करोगे तो सारे डिटेल नीचे आ जाते हैं फीस वगैरह के साथ, अनएड कॉलेज का तो फीस के साथ उसके कोड के साथ, ओके। बहुत स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर कट ऑफ का एग्जैक्ट मुझे बताओ, तो मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ कैसे चेक करना है मैंने वो भी उनको बता था, ओके, कि आप किसी भी कॉलेज का एग्जैक्ट कट ऑफ भी चेक कर सकते हो, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हाउ टू चेक कट ऑफ, वो आप चेक करिए, और यहाँ पर भी आप कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हो लास्ट ईयर के हर एक राउंड का,
सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक कुछ न्यू टैब भी आई है, नो योर एलिजिबिलिटी मीन्स वॉट, कि आपके मार्क्स के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साइंस ले रहे हो, आपका फोर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आया है 420 या कुछ भी आया आउट ऑफ 500, फिर मार्क्स के रेंज मतलब 10 मार्क्स ऊपर 10 मार्क्स नीचे आप सिलेक्ट करो, ओके, जेंडर जो भी आपका, सोशल रिजर्वेशन है कुछ तो वो डालो, नहीं तो ओपन डालो, ओके, और स्पेशल रिजर्वेशन कुछ होगा तो यहाँ पर मीडियम इंग्लिश होगा, ओके, और यहाँ पर ये कैप्शा आप डालोगे, कैप्शा में डाल के जब आपको दिखाता हूँ, ये एक आइडिया आपको देता है कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, या कौन सा कॉलेज आपके रेंज के अकॉर्डिंग है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम आ गए, अभिनव कॉलेज, आदर्श कॉलेज, अनुदत्त कॉलेज। अब ये अलग अलग रीजन का है, अब इसमें से जो भी आपके रीजन का कॉलेज है उसका आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो जैसे एक अनुदत्त कॉलेज आया था, कांदीवली में है ये, ओके, तो मलाड, बोरीवली, कांदीवली वाले ये कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। देन ये देखिए, ये जुहू कॉलेज, ओके, जुहू वाले, अंधेरी वाले, ओके। तो इस तरह से अपने अपने रीजन का कॉलेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसी कॉलेज का नाम आप ढूंढ रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप देखिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल मीरा रोड में है, ओके। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, अपना लिस्ट खुद रेडी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट और फ्रेंड को शेयर करो, और याद रखो 30 जुलाई शाम 5 बजे के पहले आपको ये फॉर्म पूरा फिल करके कंप्लीट करके लॉक करना है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाकी का डिटेल आपको पता ही है कि कब क्या होने वाला है। तो मैं एक बार वापस से आपको एडमिशन शेड्यूल दिखाना चाहूँगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा लोड लेगा, ओके, और ये रहा मेरा 25 जुलाई का डेट। इसलिए इस जैसे कि बोर्ड ने बताया है या जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग पहले के जो भी शेड्यूल थे उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। पहले अगर आप शेड्यूल ध्यान से देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं फुल्ली ओपन करता हूँ, ओके, और मैं आपको शो करता हूँ, ये लोड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओके, आपके स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं तो आप 720p में चेक कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये प्रोसेस था पहले 25 to 27 रात को 10 बजे फॉर्म लॉक हो चुका था। आज मतलब मोर देन 80 to 100 स्टूडेंट के मैसेजेस आए होंगे मुझे, मैं भी खुद कंफ्यूज था, फाइनली रिजोल्यूशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। 28 to 30 में ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाली थी, बट अब डेट एक्सटेंड की गई है, बाकी कोई डेट में चेंजेस नहीं होंगे, आपके अलॉटमेंट का रिजल्ट 3 अगस्त को आने वाला था, तो 3 अगस्त को ही आएगा, वो यहाँ पर कुछ तो टाइम मैनेज कर लेंगे वो पैरेलल मैनर में, ओके, और यहाँ पर वो मैनेज करके आपको 3 अगस्त को फाइनल अलॉटमेंट बताने वाले हो, फर्स्ट राउंड का, और 3 से 6 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन लेना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके, 1 ईयर का फीस सबमिट करके, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ओके, और ये 6 to 8 अगस्त तक कॉलेज अपने डेटा बोर्ड को सबमिट करेगी, 7 अगस्त को वैकेंसी राउंड पब्लिश होगी, जैसे मैंने बोला था 70% जो सीट अलोकेशन होता है फर्स्ट राउंड में हो जाता है, ओके, और बाकी राउंड टू के लिए जाएगा, और 7 अगस्त से राउंड टू के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें फॉर्म फिलिंग वापस से भी किया जाएगा राउंड 2, ओके, बट जैसे मैंने बोला मैक्सिमम अलोकेशन राउंड 1 में ही होता है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट डिफिकल्टी है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, और या इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बताओ, आपके फ्रेंड्स को जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है, कि 30 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया, आप फिल कर सकते हो, एज सून एज पॉसिबल आप फिल करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।